AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया। ओवैसी ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी, इसमें ईसाई पादरी, सिख गुरु मौलाना को भी होना चाहिए था। उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस देश का मजहब एक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी। इस रैली में उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर एक विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं स्टीयरिंग AIMIM के हाथ में है, बीजेपी के तेलंगाना अध्यक्ष कहते हैं सचिवालय ओवैसी को खुश करने के लिए बनाया गया है। कैसे आदमी है, बिना हमारा नाम लिए मर्द नहीं कहला सकते क्या ये? AIMIM नेता ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओवैसी का नाम लेने से तुमको लगता है ग्लूकोज मिल गया, पेट भर गया तो खूब लो। उन्होंने कहा कि अमित शाह जानते हैं कि जब तक AIMIM ताकतवर रहेगी, सचिवालय पर बीजेपी का झंडा नहीं लहरा सकता है। उन्होंने कहा कि रोड पर खड़े होकर संघ परिवार से पंजा मुसलमान लड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जनता और पार्टी के लोगों से पूछकर तय करूंगा कि इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मजलिस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि आज नई संसद का उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी की फोटो आई लेटे हुए, पीएम और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी, अफसोस हुआ कि पीएम मोदी एक ही मजहब के लोगों को लोकसभा में लेकर आए। ओवैसी ने कहा कि संसद के अंदर सूरा भी पढ़ा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि काश आपका दिल बड़ा होता। ओवैसी ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी, क्या ये सत्यमेव जयते है? वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने नए संसद भवन को लेकर RJD द्वारा किए गए ट्वीट पर आपत्ति जताई। ओवैसी ने कहा कि वो संसद का ताबूत क्यों कह रहे हैं, कुछ और भी कह सकते थे। इतना ही नहीं, ओवैसी ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेहतर होता अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन का उद्घाटन करते। राजद का कोई स्टैंड नहीं है, पुराने संसद भवन को दिल्ली फायर सर्विस से क्लियरेंस तक नहीं था, वो संसद को ताबूत क्यों कह रहे हैं, वो कुछ और भी कह सकते थे, उन्हें ये एंगल लाने की क्या जरूरत है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद एक ट्वीट किया गया, जिसको लेकर बीजेपी RJD पर हमलावर है। इस ट्वीट में RJD ने नए संसद भवन के साथ एक ताबूत की फोटो शेयर की, उसके साथ लिखा ये क्या है। RJD के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। गौरव भाटिया ने लिखा, आज एक ऐतिहासिक पल है और देश गौरवान्वित है, आप नजरबट्टू हैं और कुछ नहीं, छाती पीटते रहिए, 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। चलिए ये भी तय हुआ, संसद देश का ताबूत आपका। वीडियो डेस्क amarjala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक